नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आपका स्वागत है मनी नाइन के इस खास बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आपको बताते हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। महंगाई की आग और भड़कने वाली है, ऐसा हम नहीं सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। मासिक आधार पर खुदरा महंगाई दर करीब 5% से बढ़कर 5.59% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने से खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। इससे पहले अगस्त में महंगाई दर का ये आंकड़ा 5% से ज्यादा था। फेस्टिवल सीजन भी नवंबर में औद्योगिक उत्पादन को सहारा नहीं दे पाया। इस दौरान मासिक आधार पर IIP ग्रोथ 3.2% से घटकर करीब 1.5% रही है। सरकारी महंगाई के बाद अब बताते हैं आपको बाजार में भड़की महंगाई की आग के बारे में। साबुन और डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल, साबुन, शैम्पू और मंजन जैसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम 3-20% तक बढ़ा दिए हैं। FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी तरफ से प्रोडक्ट के दाम बढ़ने के बाद आशंका है कि सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर में तेल, साबुन जैसे प्रोडक्ट का महंगा होना उपभोक्ताओं के लिए कंगाली में आटा गीला जैसी स्थिति होगी। महंगाई की ये मार यहीं नहीं रुकने वाली है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां दबाव में हैं, उनका लॉस रेशियो बढ़ रहा है। कोविड की तीसरी लहर से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां प्रीमियम की दरें बढ़ा सकती हैं। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के MD आनंद रॉय का कहना है कि कंपनी प्रीमियम में बदलाव के बारे में जनवरी के आखिर तक निर्णय लेगी। अन्य बीमा कंपनियों का भी कहना है कि कोविड के मामलों में तेज वृद्धि जारी रहने पर प्रीमियम में बढ़ोतरी संभव है। आम जनता ही नहीं, कंपनियां भी महंगाई से परेशान हैं। 3 साल में पहली बार तीसरी तिमाही में कंपनियों के मार्जिन में आ सकती है कमी। क्रिसिल का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, बिक्री घटने और मार्जिन दबाव के चलते 3 साल में पहली बार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 100 से 120 आधार अंक और तिमाही आधार पर 70 से 100 आधार अंकों की गिरावट का अंदेशा है। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के सामने रखी 5G स्पेक्ट्रम की कीमत घटाने की मांग। देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड्स के लिए बेस प्राइस में 95% कटौती करने की मांग की है। ट्राई ने इस बैंड के लिए 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज बेस प्राइस की सिफारिश की है। कंपनियों की शिकायत है कि ये कीमत बहुत ज़्यादा है और इस पर 5G सेवा उपलब्ध कराना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। LIC के IPO को लेकर बड़ी खबर है। LIC इस महीने के अंतिम हफ्ते में अपने IPO के लिए SEBI के पास आरंभिक दस्तावेज जमा करा सकती है। LIC की योजना 31 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में IPO प्रॉस्पेक्टस का मसौदा दाखिल करने की है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराना चाहता है। सरकार LIC की एम्बेडेड वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपये के आसपास रखना चाहती है। इससे इसका मार्केट वैल्यूएशन 4 गुना ज्यादा यानी 15 लाख करोड़ रुपए करने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार में तेजी से निवेशक हो रहे हैं मालामाल। शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। BSE का सेंसेक्स 61,000 से ऊपर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पेटीएम का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया। आज इसका शेयर करीब 3.5% और टूटा और 1,083 पर बंद हुआ। कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने खराब IPO बिडिंग और लिस्टिंग के लिए खराब समय को जिम्मेदार ठहराया है। मनरेगा में काम की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम की मांग 4 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर के दौरान 2,47,00,000 लोगों ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार मांगा है, जो अगस्त के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में भी 2,11,00,000 लोगों ने रोजगार मांगा था।
मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार की मांग बढ़ना ये साफ संकेत है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से लोग गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं और गांव पहुंचकर रोजगार मांग रहे हैं। क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है सरकार। सरकार क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से होने वाली आय को कैपिटल गेन की बजाय बिजनेस इनकम मानने पर विचार कर रही है। इसके लिए सीनियर टैक्स एडवाइजर्स से राय मांगी गई है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय के लिए इनकम टैक्स रेट पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर को अनिवार्य बनाने के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26A में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से क्रिप्टो निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर से इंडस्ट्री के सामने खड़ी हुई श्रमिकों की किल्लत, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और राज्यों में लग रहे प्रतिबंधों की वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों में और ज़्यादा कमी आने की आशंका बढ़ गई है। टीमली सर्विसेज ने अपने सर्वे में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सामने श्रमिकों को लेकर चुनौती सबसे ज़्यादा है। सभी उद्योगों में मौजूदा लेबर शॉर्टेज 15-25% है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आगे आने वाले महीनों में ये अंतर और बढ़ने की आशंका है। सिंपल एनर्जी जून में शुरू करेगी ई स्कूटर की डिलीवरी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी जून महीने में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन की डिलीवरी शुरू करेगी। कंपनी ने अगस्त 2021 में अपने स्कूटर को घरेलू बाजार में उतारा था। सिंपल वन के लिए अब तक 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हैं और इसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपये है। बचत के लिए बैंक FD में निवेश करने से लोग कतरा रहे हैं। महंगाई बढ़ने की आशंका से लोग अपने बचत पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। RBI की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि महंगाई बढ़ने की आशंका से लोग जमा के रूप में बैंक FD को कम तरजीह दे रहे हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में बॉन्ड या इक्विटी में निवेश फायदेमंद हो सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो है विश्व बैंक से जुड़ी हुई। विश्व बैंक ने 2022 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों, सरकारी इंसेंटिव में कमी और आपूर्ति चेन में गतिरोध को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अपना अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2022 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने का अनुमान है। जून 2021 में उसने इसके 4.3% रहने का अनुमान लगाया था। ये पूर्वानुमान 2021 में वैश्विक वृद्धि के 5.5% के अनुमान से भी काफ़ी कम है। सरकार का विनिवेश लक्ष्य होगा और बड़ा। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को और बड़ा कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए ये लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपये है। हालांकि ये लक्ष्य LIC के IPO पर निर्भर करेगा, जिसको 1,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार की योजना मार्च के अंत तक LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की है। शेयर बाजार में निवेश के नए तरीके के बारे में क्या आपको पता है? डिजिटल क्रांति ने शेयर बाजार में निवेशकों की एक नई फौज खड़ी कर दी है, जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। BSE पर कैश मार्केट में होने वाले कुल कारोबार में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी पिछले 2 सालों में लगभग 3 गुना बढ़ गई है। 2019 में BSE पर होने वाले टोटल ट्रेड में मोबाइल ट्रेडिंग की हिस्सेदारी केवल 6.94% थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 19% के आसपास हो गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मोबाइल ट्रेडिंग की हिस्सेदारी करीब 23% है। चलिए अब देखते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में क्या चल रहा है। टूलजेट ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $15,00,000 जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने किया था। कंपनी नए फंड से अपनी टीम का विस्तार करेगी, यानी नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्रीडम ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $25,00,000 की राशि जुटाई है। कैपिटल ए के नेतृत्व में बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ, भारत पे फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, वीमार्ट रिटेल फाउंडर ललित अग्रवाल और ग्लोबल पेयू के CFO आकाश मुंदड़ा ने इसमें निवेश किया है। फिनटेक स्टार्टअप FPL टेक्नोलॉजीज ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $7.5 करोड़ का फंड हासिल किया है। फंडिंग के ताजा चरण के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $75,00,000 हो गया है। 10 महीने पहले कंपनी ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में करीब $3.5 करोड़ जुटाए थे।